बहरागोड़ा की सभा में चंपई सोरेन के बयान और उनके भैया कोलकाता दिल्ली जाने की चर्चा ने पॉलिटिक्स के अखाड़े में उतरे पहलवानों को दांव लगाने के लिए फिर सचेत कर दिया है। चंपई ने जैसे ही एक हफ्ते के अंदर अपना पॉलिटिकल स्टैंड क्लियर करने की बात कही, वैसे ही पॉलिटिक्स का सनसेट चढ़ाई करने लगा। उनका पॉलिटिकल अनुभव इस बात की तस्दीक करता है कि अब तक ना तो झामुमो से त्यागपत्र दिया है और न ही मंत्री पद छोड़ने के बारे में कोई फैसला लिया। झारखंड के पॉलिटिकल कैनवास पर चंपई सोरेन एपिसोड में तीन एंगल महत्वपूर्ण हैं। चंपई सोरेन, झामुमो और भाजपा। पहले बात चंपई सोरेन की। चंपई सोरेन को अपने पॉलिटिकल ताकत का अंदाजा है, लिहाजा उन्होंने दो महत्वपूर्ण फैसले लिए। एक तो केवल और केवल कोल्हान पर फोकस करना और उस जमीन को मजबूत करने के लिए क्षेत्र का लगातार दौरा करना, तो दूसरी तरफ नए संगठन बनाकर नए साथी की तलाश। झारखंड में दो बड़े गठबंधन हैं, इंडिया और एनडीए। चूंकि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ चुके हैं, ऐसे में एनडीए ही विकल्प बचता है। उनके फिर दिल्ली जाने की बात लगभग तय है। अब बात करते हैं राज्य में सत्ता का नेतृत्व कर रही झामुमो की। शिबू सोरेन परिवार के बेहद करीबी और जेएमएम के कद्दावर नेता रहे चंपई सोरेन को लेकर झामुमो बिल्कुल मौन है। पार्टी की उनकी हर गतिविधि पर पैनी नजर है। जेएमएम नेताओं को यह भी डर सता रहा है कि यदि चंपई सोरेन के खिलाफ किसी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है तो इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है। यही कारण है कि जेएमएम नेताओं ने अब तक इस मामले में चुप्पी साध रखी है। अब बात भाजपा की। चंपई सोरेन को लेकर भाजपा बिल्कुल सतर्क है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि बीजेपी चंपई सोरेन के मामले में सोच समझकर कदम रख रही है। बीजेपी झामुमो को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहती है जिससे उस पर पार्टी तोड़ने का आरोप लगे और पुराने नेता कार्यकर्ता नाराज हो जाएं। तो दूसरी तरफ भाजपा को कोल्हान में एक मजबूत आदिवासी साथी की जरूरत है, लिहाजा बीजेपी के इशारे पर ही चंपई सोरेन अपनी पार्टी बनाएं और चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ें। बीजेपी उनके लिए 3 या 4 सीट कोल्हान में छोड़ सकती है, इससे दोनों का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। कोल्हान के पॉलिटिकल धरातल पर जो राय बनती दिख रही है वह कहती है कि चंपई सोरेन को जेएमएम छोड़कर किसी और दल के साथ जाने से खास फायदा नहीं होगा, लेकिन अलग राजनीतिक दल बनाकर वे कोल्हान क्षेत्र में नए साथी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो इसका फायदा चंपई सोरेन और सहयोगी दल को मिल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर हर विधानसभा क्षेत्र में चंपई सोरेन की वजह से 5 से 10 हजार वोट भी बीजेपी को मिलते हैं तो नतीजे बदल सकते हैं। बिंदास बोल न्यूज़, आज की खबर आज ही पढ़ें।